चाक घाट में ज्वेलरी की दुकान में लूट का असफल प्रयास, चोरों की तलाश में पुलिस। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से लगे चाक घाट में एक ज्वेलरी शॉप में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वह दो महिलाएं वहां पर ज्वेलरी की खरीदारी कर रही थी। तभी दो नकाबपोश लुटेरे हाथ में बंदूक लिए हुए आ गए, जिसे आप कट्टा कहते हैं, के साथ दुकान में प्रवेश कर गए। ज्वेलर्स को धमकाने लगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी वहां दुकान में लगे सीसीटीवी की मदद से लिए गए फुटेज को देख पा रहे हैं। तभी अंदर एक व्यक्ति ने लुटेरे पर किसी वस्तु से हमला कर दिया, जिससे चोर घबरा गए और दुकान से भाग गए। पुलिस चोरों का पता लगाने में लग गई है। उसे जानकारी मिली है चोरी करने वाले शंकरगढ़ की ओर भागे हैं। इस बारे में हमने रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना। इसमें एक ज्वेलरी शॉप में चाक घाट थाना क्षेत्र पड़ता है हम लोग के यहाँ, जो बॉर्डर एरिया है यूपी का और एमपी का, रीवा में। वहाँ पे दो नकाबपोश लड़के घुसे हैं अंदर शॉप के अंदर और वेपन्स लेकर के हाथ में, और उन्होंने वहाँ पे कुछ पैसे की डिमांड की है वहाँ पे, और कुछ सामान भी उठाने का प्रयास किया है। इसी बीच में वहाँ पे जो दुकान के अंदर ही एक एक्टिव व्यक्ति ने कुछ उठा के एक चीज़ उसके सर पे मारी है, जिससे वो लोग वहाँ से भागे हैं। फिर उसके बाद लोगों ने उनका पीछा भी किया है, और बाइक जिस तरफ से भागे हैं उसको फॉलो करते करते जो ट्रैक हम लोगों को अभी मिला है वो शंकरगढ़ की तरफ सब लड़के भागे हैं। और इसीलिए शंकरगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है उसमें भी जो कंसर्न वहाँ के पुलिस स्टेशन है उनसे संपर्क किया करा करके जो फुटेज है हमारे पास उनको शेयर किया गया है। साथ ही वहाँ पे कौन कौन से लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं उनके बारे में भी डिटेल्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यहाँ पे रीवा में बॉर्डर में हमारे सारे जगहों पे कि यूपी के कुछ लोग आकर के इधर घटना करते हैं और घटना करके वापस भाग जाते हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे पहले भी जने वगैरह में हुई हैं थाना क्षेत्र में, जहाँ पे बाद में उनको पकड़ा गया है। तो हम लोग प्रयास में हैं इनको भी पकड़ने की, पूरी प्रयास करें।